दावत इल्लाह और तबलीग जमात। पांचवा नंबर इखलास की नियत। इन्नमल अमालु बिन्नियत। अगर हम गौर व फिक्र से काम लें तो सिर्फ यही एक हदीस हमारी नियतों की दुरुस्तगी और आमाल की पाकिजगी के लिए काफ़ी रहे। बड़े वाज़े और जामे अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अमल और किरदार का रुख मुतय्यन फरमा दिया है कि हमारे सारे आमाल और अफ़ाल नियत के बगैर सही नहीं हो सकते हैं। जैसी नियत है वैसी बरकत। आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बंदा के बहुत से नेक आमाल को जो अंजाम देता है फरिश्ते उसको आसमान पर ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन आमाल को उनके नामाए आमाल से निकाल दो क्योंकि उसने ये काम मेरी खुशनुदी के लिए नहीं किए हैं। और हाँ फला फला आमाल उसके नामाए आमाल में दर्ज कर दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन इस बंदे ने तो ये काम किए नहीं हैं। तब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसने दिल में उन कामों की नियत की थी यानी पक्की सच्ची नियत थी तो उस नियत की वजह से अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में लिखवा देते हैं। मोमिन की नियत अमल से बेहतर है। अमल और किरदार में दिखावा अहले दुनिया की खुशनुदी शामिल हो सकती है मगर नियत में रिया दिखावा का दखल ना होगा। हमारे काम को अहले दुनिया देख सकते हैं मगर हमारी नियत को सिर्फ मौलाए अल्लाह ताला ही देख सकता है। लिहाजा हमारे काम और हमारी नियत की जजा और सजा भी रब्बुल आलमीन ही अता फरमाएगा। हदीस पाक की रोशनी में एक दिलचस्प सबक आमोज वाकया मुलाहिजा फरमाएं कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौम कयामत यानी कयामत के दिन बारगाह इलाही में एक बंदा पेश होगा जिसके दाहिने हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा जिसमें बंदा हज उमरा जक़ात और जिहाद सदका लिखा हुआ पाएगा। बंदा दिल में कहेगा मैंने इस अमल को किया ही नहीं ये मेरा नामाए आमाल ना होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ये तुम्हारा ही नामाए आमाल है। तुम अपनी जिंदगी में ये कहते थे कि अगर मेरे पास माल होता तो हज व उमरा करता सदका और खैरात करता जिहाद करता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इस नियत में सच्चे हो तो मैंने तुमको उन सब चीज़ों का सवाब अता फरमा दिया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों अपनी नियतों को दुरुस्त करें। नियत सही होगी आमाल सही होंगे। नियत ख़राब होगी जो आमाल भी करेंगे वो ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।